डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सी एल वर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लोहिया कुनिचुर। आज का अपना टॉपिक है सिम्टम्स ऑफ स्नेक बाइट्स। सांप जब काटता है तो कौन कौन से करैक्टर है वो अपने को दिखाई देते हैं, कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, सिम्टम्स ऑफ स्नेक बाइट, ये आज का अपना टॉपिक है। भारत के अंदर जो लगभग हर साल जो है 20,000 से लेकर के 25,000 के करीब है वो जो लोग हैं वो स्नेक बाइट की वजह से मरते हैं। यद्यपि सारे सांप जो है वो जहरीले भी नहीं होते, जो अपने अभी पहले भी बताया था कि 330 स्पीशीज पाई जाती है जिसमें केवल 69 स्पीशीज है वही पॉइजनस होती है। अब जो पॉइजनस है, जो वेनमस है, उनके क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो वेनमस स्नेक है और जो नॉन वेनमस स्नेक है उनमें क्या अंतर है, उनका जो पहचान अपन कैसे करेंगे, उसके बाद में अपन देखेंगे कुछ जो इम्पोर्टेंट जो स्नेक है, पॉपुलर स्नेक है, क्रेट है, कोबरा है, वाइपर है, उनके काटने से क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले तो अपने को ये जानना जरूरी है कि ये जो वेनमस है और नॉन वेनमस है वो अपने को कैसे दिखाई देते हैं। जो वेनमस स्नेक होगा वो जो स्नेक है उस स्नेक के अंदर अगर अपन देखें तो यहाँ पे उस स्नेक का क्या होगा, माउथ जो है, जो आगे का थुतना है वो क्या होगा, ब्लंट होगा, ये आगे से ब्लंट होता है, ठीक है। लेकिन ये ब्लंट आपको कैसे दिखाई देगा, जब वो स्नेक है आप उसको काटने से पहले अगर देखते हैं, सामने से अगर देखते हैं तो आपको ये जो ऊपर का जा होता है वो बहुत ब्लंट होता है, मोटा होता है, तो अपने को दिखाई देता है वहां से भी। और जो नॉन वेनमस स्नेक है उसका जो थुतना है आगे वाला जो पोर्शन है वो क्या होगा, आगे की तरफ थोड़ा कंपेरेटिवली वो पतला होगा, उसकी इसकी अपेक्षा वो पतला होता है। यहां पे जो वेनमस स्नेक होता है उस स्नेक के अंदर एक चीज तो अपन ये इसका जो ऊपर जा है उस जा का अपन ने मोटाई के आधार पर अपन ने बताया कि ये ब्लंट है आगे से और ये ब्लंट नहीं होता है, थोड़ा कम होता है। दूसरा जो इनका फेंग्स है वो फेंग्स है आपको बड़ा जो फेंग्स है वो आपको स्पष्ट दिखाई देगा, ये इस तरीके से फेंग्स दिखाई देगा और छोटे छोटे दांत यहाँ पर पीछे भी होते हैं। लेकिन जो नॉन वेनमस है उसमें क्या होगा, ये बड़ा वाला टीथ यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, और उसके अलावा ये छोटी छोटी टीथ उसमें और पाए जाते हैं। बट ये जो मैंने आपको कैरेक्टर बताए ये कैरेक्टर अपन एक तरीके से सिम्टम में नहीं है, मतलब बाहर से देख करके अपन स्नेक को तो पहचान सकते हैं कि वेनमस है या नॉन वेनमस है, लेकिन अपन यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, स्नेक बाइट की सिम्टम्स पढ़ रहे हैं, उसके लक्षण पढ़ रहे हैं। तो जो लक्षण कैसे होंगे, देखिए एक जैसे इसी के से संबंधित है वो यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है कि जो थुतना है वो कंपेरेटिवली बॉडी की कंपेरिजन में ऊपर से चौड़ा होगा, स्नेक इस तरीके से आगे से क्या होगा, चौड़ा होगा, ये इस प्रकार का, पीछे से वो पतला होगा। तो थुतना इसका यहाँ पर भी चौड़ा दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, वेनमस। और यहाँ पे बॉडी के जो व्यास होता है, जो बॉडी का डायमीटर होता है, वैसे ही आगे उसका डायमीटर है। मेन जो सिम्टम है कि स्नेक बाइट का अपन देख रहे हैं मेनली बाइट, तो बाइट में क्या होगा, जैसे वेनमस स्नेक अगर काटेगा तो क्या होगा, ये इस प्रकार से दो निशान देंगे। दो निशान क्यों दिखाई देंगे, क्योंकि ये जो फेंग्स है वो अपर जा पे है और वो दोनों साइड में, तो ये अगर काटेगा तो अपने को ये दो निशान दिखाई देंगे। लेकिन ये दो निशान दिखाई कब देंगे, जब वो स्नेक है वो किसी शिकार के ऊपर झपटा मारता है, इस तरीके से झपटा मारता है तो अपने को ये दो निशान दिखाई देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए स्नेक के अगर पैर के स्नेक के ऊपर अपना अगर पैर टिक गया, तो पैर टिकने के बाद में जब अगर स्नेक अगर बाइट करेगा तो वो आराम से उसको पकड़ेगा अपने पैर को, तो उस समय क्या होगा, ये इस प्रकार से जो ऊपर वाले जो स्नेक है, जो टीप फेंग्स है, उसके तो ये दो निशान दिखाई देंगे। इसके अलावा यहाँ पर अपने को और छोटे छोटे
निशान दिखाई देंगे, वो किसके, जो जहरीले दांत नहीं है लेकिन ये, लेकिन उनका ये दिखाई देगा। क्रेट जो है कई बार क्या होता है, स्क्रेच भी मारता है। जैसे मान लीजिए सांप ने साइड से, अगर मान लीजिए एक मतलब केवल एक फुकार मार करके, और अगर वो उसको काटता है, तो इस प्रकार से एक एक निशान भी दिखाई देगा। ठीक है, कई बार क्या होता है कि ये जो दो है, दो के साथ में क्या होगा, नीचे इस तरीके से निशान भी दिखाई देंगे, मैन दो। उसके बाद में अगर अगर मजबूती से सांप अगर पकड़ता है शिकार को, तो क्या होगा, दो फैंग्स के बड़े निशान यहां दिखाई देंगे और छोटे छोटे निशान ये इस तरीके से भी दिखाएंगे, तो भी ये क्या है, जहरीला है। कई बार क्या होता है, क्रेट में क्या होता है कि ये दो जो स्पोर दिखाई देते हैं उसके नीचे कई बार यूं इस तरीके से बाकी जो सांप, बाकी जो दांत है उनकी इस तरीके से स्क्रैच भी दिखाई दे सकते हैं। तो ये वेनमस में इस प्रकार से अपन उसको पहचान कर सकते हैं कि ये वेनमस है या नॉन वेनमस। नॉन वेनमस में क्या होगा, यहाँ पे दोनों जबड़ों के ऊपर दांत पाए जाते हैं, और अगर ये काटेगा तो इस प्रकार से अपने को ये ऊपरी वाली जबड़े के और ये अपने को नीचे वाली जबड़े के निशान है वो दिखाई देंगे। तो ये मान लीजिए कि ये क्या है, नॉन वेनमस है। तो इस प्रकार से ये सिम्टम है स्नेक बाइटिंग के। और इसके अलावा दूसरे जो कैरेक्टर बाइटिंग के बाद में दिखाई देते हैं वो कौन से, अपन डिस्कस करना चाहेंगे कुछ स्नेक में। जैसे कोबरा बाइट है, अगर कोबरा काटता है तो वो क्या है, सांप स्नेक जो कितना मतलब पेनफुल होगा या डेथ होगी या नहीं होगी जंतु की या व्यक्ति की, वो किस पे डिपेंड करता है, स्नेक ने काटा है बाइट किया है तो उसमें उसने कितना पॉइजन या वेनम उसके शरीर में डाला है उस पे डिपेंड करेगा। दूसरा उस पॉइजन की वेनम की जो उग्रता है, विरुलेंसी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, यानी कितना जहर शरीर में प्रवेश करवाया, और दूसरा उसकी उस जहर की उग्रता कितनी है, विरुलेंसी कितनी, उस दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ कोबरा बाइट में क्या है, नॉट विरुलेंट, ज्यादा जो पॉइजन है वो ज्यादा उग्र नहीं है कोबरा का, न्यूरोटॉक्सिक है ये। तो ये अपन ने पहले पढ़ा भी था, न्यूरोटॉक्सिक जो पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स को करता है, यानी रेस्पिरेटरी जो मसल्स होती है उसमें भी क्या जाती है, नर्व जाती है, और उस नर्व के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर साइट है उसको ब्लॉक कर देता है। तो ये क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर को ब्लॉक कर देता है, ये न्यूरोटॉक्सिक है। अब ये काटने पे क्या सिम्टम आता है, पियर्सिंग पेन, दर्द होता है बहुत तेज, जहां पर काटा है वहां पर बर्निंग होती है, जलन होती है, तेज जलन होती है, नंबनेस ऑफ बाइटन पार्ट, जो बिटन पार्ट है जहां से काटा गया है वहां पर क्या हो जाएगा, सोज, सूजन सी उत्पन्न हो जाती है, विच इन टर्न ब्लूश एंड ब्लैकिश, तो वहां पर त्वचा क्या है, नीली पड़ जाती है और काली हो जाती है। वीकनेस इन लेग्स, लेग्स की मसल्स काम कम करती है, हाई पल्स रेट हो जाती है, स्पीचलेस, बोलना बंद हो जाता है, जा मसल्स काम नहीं करती है, ड्रॉपिंग ऑफ सलाइवा एंड आईलिड्स, मुंह से नाक गिरने लग जाती है, आईलिड्स है वो आंखें जो पलके हैं वो धीरे धीरे बंद होने लग जाती है, और व्यक्ति की डेथ हो जाती है, डेथ ड्यू टू एस्फिक्सिया। श्वसन जो मसल्स है, रेस्पिरेटरी मसल्स है वो अवरुद्ध हो जाती है, तो रेस्पिरेशन जो इसकी एस्फाइक्सिया की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो ये कोबरा बाइट के अपन ने कुछ सिम्टम्स लिए। कैरेट बाइट भी न्यूरोटॉक्सिक है, लेकिन यहाँ पे जो 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 टॉक्सिक पदार्थ दिया जाता है वो जो जहर है वो 3 गुना ज्यादा है, वो 3rd टाइम ज्यादा कोबरा की बजाय वो ज्यादा इंजेक्ट किया जाता है कैरेट के टाइम में। तो सेम कैरेक्टर है, कैरेट में भी यही सेम कैरेक्टर है, बट यहां पर क्या होगा, जो एब्डोमिनल पेन है वो अनबियरेबल होगा, उधर का जो दर्द है वो बहुत तेज होगा, अनबियरेबल एब्डोमिनल पेन ड्यू टू इंटरनल हीमोरेज, अंदर ही अंदर बॉडी के अंदर रक्त स्राव या हीमोरेज होने की वजह से, यहां पर व्यक्ति में क्या होगा, खूब सारा रक्त स्राव होने की वजह से एब्डोमिनल पेन होता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी एंड पैरालिसिस ऑफ ट्रंक एंड लिम्ब, डेथ विद इन 6 to 24 आवर्स। तो यहाँ पर हिमोलाइसिस होता है, आरबीसी टूट जाती है, पैरालिसिस हो जाता है,
ट्रंक्स और लिम्स की मसल से और व्यक्ति की 6 से लेकर के 24 घंटे में डेथ हो जाती है। थर्ड अपना आता है वाइपर बाइट। वाइपर बाइट हीमोटॉक्सिक है, ब्लड के ऊपर को प्रोटेक्ट करता है, पॉइजन ऑफ ब्लड है, पॉइजन ऑफ ब्लड। लोकल पेन जहां पे होता है वहां पे जहां काटा जाता है दर्द होता है, वहां का कलर चेंज हो जाता है, डिसकलरेशन होता है, एक्यूट बर्निंग, बहुत तेज ज्यादा जलन होती है, रेड फ्लूड ऊज, यहाँ पे लाल लाल पदार्थ जो है सीरम निकलता है, प्यूपिल डायलेट, पुतली चौड़ी हो जाती है, फैल जाती है, वोमिटिंग होती है, डेड ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ वेसोमोटर सेंटर एंड ऑब्जेक्शन फ्रॉम द प्रोफाइल ब्लीडिंग, अंदर अंदर ब्लीडिंग होने की वजह से और वेसोमोटर सेंटर्स जो होते हैं उनमें पैरालिसिस होने की वजह से वो क्या होगा, व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो इस प्रकार से ये सिम्टम है स्नेक बाइटिंग के, जिसमें अपन ने बताया कि अगर उसको अपन कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेनमस स्नेक ने काटा या नॉन वेनमस ने काटा है, तो यहाँ पर ये दो निशान दिखाई देंगे। कभी कभी आपको अगर वो स्नेक अच्छी तरीके से काटता है, कैप्टी नहीं मार करके सीधा काटता है, आराम से अगर पकड़ता है, तो वो पूरा दो स्नेक जो दो जो ऊपर वाले हैं वो आपको गहरे दिखाई देंगे, बाकी थोड़े थोड़े निशान है वो जो इन दांतों के हैं वो भी आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे कई बार क्या होता है स्क्रेच लगता है, एक बाइट किया और उसके बाद में जब बाहर निकालता है तो उसमें स्क्रेच लग जाते हैं, तो ये क्या है, ये भी क्या है, वेनमस है। और कई बार अगर एक टीथ का अगर स्नेक ने यूं इस तरीके से अगर काट करके अगर निकल जाता है तो वो क्या है, एक छोटा सा निशान आपको दिखाई देगा। तो ये जो सारे सिम्टम है तो ये क्या है, वेनमस के। नॉन वेनमस में क्या है, फैंग्स, बड़ा वाला हैंड, छोटे छोटे दांत दोनों जबड़े के ऊपर पाए जाते हैं, तो जिससे क्या होगा दोनों जबड़ों से वो पकड़ेगा तो अपने को दो लेयर दिखाई देगी, जो दांतों की जो चपड़ी के ऊपर जो स्किन के ऊपर है वो दो लाइन में निशान दिखाई देंगे, तो इसका मतलब वो क्या है, नॉन वेनमस स्नेक है। तो इस प्रकार से ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं अपने को। तो अपन इन सिम्टम्स को देख करके ये पहचान सकते हैं कि इस व्यक्ति को जहरीले सांप ने काटा है या नॉन पॉइजनस ने काटा है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं स्नेक बाइटिंग के। थैंक्स।